मेरे पति और मेरे पति के बड़े भाई पर एफआईआर दर्ज कराया गया है एक महिला के द्वारा। तू बोल रहा करे डोम डोमी तू कितने पूछ के आया रे, तुमको कौन बोला घुसने के लिए घर में, एक तो घुस गया। वो मुकदमा दर्ज कराती है बड़े भाई पे और मेरे पति पे। गंदा गंदा गाड़ी देने लगा, बोलने लगा रे थेथरी तू थेथर है का रे, भागती है कि नहीं रे, जल्दी भागो ये जाले। अभद्र तरीके से बात किया गया, हमें गाली गलौज किया गया, हमें मारा पीटा गया है। 10 गो आदमी के सामने हमको जंजील किया है, हम रोते घर। रिकॉर्डिंग हमारे आवास पे सीसीटीवी टीवी कैमरे का फोटोज और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो मैडम जी बोल रही करे इतना बड़ा केस कर रही है तू जीत जाएगी। खबर सासाराम से आ रही है जहां पर एक महिला ने मेयर काजल कुमारी के पति और उनके बड़े भाई पर एफआईआर दर्ज करवाया है। महिला का कहना है कि मैं मेयर साहब के घर पर गई थी और वहां पर मेरे साथ गाली गलौज किया गया, जिसके बाद महिला ने एफआईआर दर्ज करवाया है। उसके बाद महिला क्या कुछ कह रही है मीडिया कर्मियों से बातचीत में, आइए पहले ये सुनते हैं। क्या हुआ है आपके साथ, क्या मामला? सर नमस्ते सर, हम मेरा साथ ही हुआ कि हम सरोज मुखिया से कॉलोनी मांगते मांगते हम थक गए थे। आ ये काम अपना मन दिल में बैठाए एक दिन कि सोचे कि भाई मेयर भी जाएंगे तो कुछ मेरा मदद करेंगे मेयर। तो गए तो एक गेट पर लड़का था तो बोल रहा है कि कहाँ घर है, कहाँ जा रही है? तो कहीं सर जा रहे मेयर भी। तो बोल रहा है कि ठीक है रहो, हम बुला के ला रहे हैं। तो हम मन पैदले पैदले मन उसका कुर्सी तक चल गए। तो वो बोल रहा है कि कहाँ जा रही है, कौन जाते है? तो हम बोले कि हम डोम जाते हैं, झाड़ू बहाड़ू मारते 44 में हम लोग ड्यूटी करते हैं सर, झाड़ू बहाड़ू करते हैं। तो बोल रहा है अरे डोम डोमी तू कितने पूछ के आया रे, तुमको कौन बोला घुसने के लिए घर में, एक तो घुस गया। तो सर हम लोग आए हैं भाई गरीब आदमी है, कॉलोनी खाती हैं, तो तू हमको वोट दिया है कि तुमको कॉलोनी देंगे हम? तो फिर बोले कि जाते सर हम गरीब आदमी है, घुस गए तो कहाँ हो गए, हम भी तो आदमी है ना है। विकास मित्रा, विकास सिंह, विकास मित्रा। तो कौन घुसा रे, कौन कहे घुसा रे, बोलो जल्दी जल्दी। तो हम कहे कि सर हम गरीब आदमी है, क्या करें हम, मजबूर होके आए हैं आपका पास। तो ले लो चमकीला, अब दिन काट लो, हई कर लो, हव कर लो। गंदा गंदा गाड़ी देने लगा, बोलने लगा रे थेथरी तू थेथर है का रे, भागती है कि नहीं रे, जल्दी भागो ये जाले, नहीं तो अभी तुरंत भगा देंगे, धक्का मार के भगा देंगे, बदमाश कहीं का, जाती कि नहीं है रे। तो हम बोले कि सर ऐसे कहा, मंत्री हैं आप सर, तो बोलने का तरीका सीखिए। तो भागते कि नहीं रे, ए सुनो टीवी के अथी टीवी के बटन ऑफ कर दो, इतना तक सुने हैं। 10 गो आदमी के सामने हमको जंजील किया है, हम रोते घर आए हैं, खीस में 2 तारीख के एफआईआर लिख के और थाना में दिए हैं सर। थाने में गए तो क्या बोला गया? थाना में गया प्रभारी तो क्या बोले? हाँ तो प्रभारी बोल रहा है कि केस तू लड़ेगी रे, केस किसका किसका कहना में कर रही है? कहनी सर हम कोई के कहना में नहीं किए हैं, हमको संगे जुर्माना हुआ है, हम उसका चलते केस किए हैं, मेयर पर केस कर रहे हैं और उसका बोलने का तरीका हो जाए यह बात सर। किस दिन गए थे? 2 तारीख के 8 बजे। 8 बजे कोई के बहकावे में ना, कोई के दौलत में ना, धन में ना, कोई के लालची में चाहे पैसा के लालची में सर हम नहीं गए हैं, हम अपना मर्जी से गए हैं बस केस करने खाती। तो मैडम जी बोल रही करे इतना बड़ा केस कर रही है तू जीत जाएगी? तो कहनी कि हारे नहीं जी, रंडी बदमाश किया हमको, थेथरी कहा, बदमाशी कहा, निकलती है डोम डोमिन, तू कैसे घुस गया घर मेरे, जल्दी निकलो बाहर निकलो, नहीं तो धक्का मार के निकाल देंगे। कौन कौन बोले हैं? विकास मित्रा बोला, विकास के बड़ा भाई बोला है। तो सुना आपने किस तरीके से महिला कह रही है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है। इसके बाद मेयर काजल कुमारी ने एक प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए ये सुनते हैं। आप सभी को एक बात बता दूं कि नगर आयुक्त एक पदाधिकारी नहीं है, उनके द्वारा जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, कहीं ना कहीं हम अपने शहर के विकास में लगे हुए हैं और उनके द्वारा हर वो काम किए जा रहे हैं जिससे कि हमें रोका जा रहा है। हमने उनका मकसद शहर के विकास में नहीं है, केवल और केवल पैसे की उगाही में है। जिस तरह से हमने उनका सारा जरिया रोक दिया है जिससे उनकी पैसे की उगाही नहीं हो पा रही है, तो वो अब हमारे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे पति और मेरे पति के बड़े भाई पर एफआईआर दर्ज कराया गया है एक महिला के द्वारा, जो कि वो महिला हमारे निजी आवास पे आती है वो, और कहती है कि हमारे हम पे अभद्र तरीके से बात किया गया, हमें गाली गलौज किया गया, हमें मारा पीटा गया है, जबकि आपको उसका रिकॉर्डिंग हमारे आवास पे सीसीटीवी टीवी कैमरे का फोटोज और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो कि आपको सबूत के तौर पे मिलेगा। उसमें साफ तौर पे है कि जिन पे वो एफआईआर दर्ज कराई है वो वहाँ उनसे ना तो मिले हैं और ना ही वो वहाँ पे हैं। बड़े भैया जो कि रूम में थे और मेरे पति जो कि यहाँ वहाँ पर थे ही नहीं, वो तकिया में थे। तो साफ तौर पर उसका मुकदमा फर्जी है। ऐसा क्या लगता है कि किन कारणों के लेकर महिला के साथ एफआईआर दर्ज कराना?
ये सोची समझी हुई षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि वो महिला की बात होती है मेयर प्रतिनिधि से और वो मुकदमा दर्ज कराती है बड़े भाई पे और मेरे पति पे। आप समझिए कि ये वार्ड नंबर 44 की वो महिला है जो कि आई थी आवास को लेकर के, अपना मतलब कि आवास बनाने के लिए। बस इतना ही वो था, और वो उसका नाम है गुड़िया कुमारी और उनके पति का नाम है विनोद कुमार। नगर निगम से क्या वास्ता रहा? नगर निगम में वो कार्यरत है, वार्ड नंबर 44 में सफाई कर्मी है।